तो दोपहर के बज रहे थे अब 3:30 और मुझे लेना था नैप और मैं गई सोने। पर कुछ सपने ऐसे होते हैं कि आपको सोने देंगे नहीं, तो थोड़ा देर बिस्तर में ऐसे ही लेटने के बाद मैं झपाक से उठी और चली सपने पूरा करने। नहीं, टॉयलेट लगा था इसीलिए। उसके बाद अपना उतरा हुआ शक्ल लेके फिर रूम में आई एंड लाइट ऑन किया एंड डिम लाइट ऑफ किया। उसके बाद सोची कि थोड़ा सा पानी पिया जाए क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ एंड डॉक्टर ने मुझे बोला है बहुत सारा पानी पीने के लिए। सो पानी पीते ही पीते मैं सोचा कि छत पे जाती हूँ, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करूँगी। एंड कैमरा काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है लेकिन मैं बिना कैमरा लेके चल पड़ी। तो थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि कैमरा तो लिया ही नहीं, तो वापस मैं आई एंड दरवाज़ा खोलने के बाद मैं फिर अपने रूम में गई। एंड आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि लाइट तो मैं ऑन करके गई थी तो फिर मैं आई थी। उसके बाद कैमरा निकाला एंड चेक किया कि इसका बैटरी में चार्ज है कि नहीं, नहीं तो मैं बहुत ही अपसेट हो जाती क्योंकि गुड्डू हमेशा चार्ज करके रखता है। तो थैंक्स टू हिम। एंड उसके बाद मैं छत पे गई। तो फाइनली जब मैं छत पे गई तो देखा क्या भाई साहब, क्या ही धूप है, तो इस धूप में तो बैठ नहीं सकती। तो मैं सोचा कि थोड़ा देर अपना कैमरा में कुछ क्लिक्स करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेंस यूज़ नहीं हुआ था तो फंगस लग जाएगा उसकी वजह से, थोड़ा बहुत जूमिंग शॉट्स लेने लग गई, लोगों को ऑब्ज़र्व करने लग गई। ये बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, क्यूट सा बच्चा साइकिल चला रहा है अपना, और ये अंकल पता नहीं क्या कर रहे थे, ऐसे ही वादियों में घूम रहे थे। और ये दूर से ये आंटी दिखाई दिया मुझे, और ये शॉट जब मैंने लिया तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट गुड्डू को कॉल लगाया और मेरा मूड ऑफ हो गया क्योंकि वो सेटिंग में कुछ गड़बड़ करके रखा था जो मुझे ठीक करना नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई एंड कैमरा बंद कर दिया अपना। और एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाओ आपको कि मैं अपना मोबाइल कहाँ पर रखा हूँ, तो ये देखो गाइस। तो मैं ये एक गोरिल्ला ट्राइपॉड है जो कि ऐसे रॉड पे फंसा के रखी थी, नहीं तो मेरा ट्राइपॉड कैमरा सब कुछ जाता, मतलब मोबाइल सब कुछ नीचे चला जाता। और ये शॉट भी मेरा ठीक से नहीं आया कॉज फोकस मतलब लॉक ही नहीं हो रहा था। फिर गुड्डो ने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो घर में आने के बाद बहुत ही डांट पड़ा उसको कि कैमरा में कुछ गलती मतलब गड़बड़ करते हो तो ऐसे करके रखना जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मेरा कैमरा मत छूना। मैं गुस्से में मुंह फुला ही रही थी कि मुझे दिखा एक बंदर और मैं भागी अपना जान बचाते हुए, क्योंकि बंदर अगर छत पे आ गया। और खैर ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था क्योंकि आप लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो तो पता चल गया होगा कि बंदर से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि बहन और मुझे एक बार बंदर बहुत ख़राब से छत पे दौड़ आया था और डर के मारे मैं बिना लॉक खोले ही मैं दरवाज़ा खोलने लग गई एंड अपने रूम में आ गई। एंड फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत नींद लग रहा था वैसे भी। तो उसके बाद मैं वीडियो बनाई ही नहीं गाइस, कंटिन्यू किया ही नहीं क्योंकि मेरा वैसे भी मूड ख़राब था एंड आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। सो हे गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैं और शूट नहीं किया बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड। काफ़ी टाइम से मैं फील गुड कर ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट समटाइम्स यू जस्ट नीड टू स्टे एज यू वॉन्ट। मतलब आपको ज़्यादा पुश भी नहीं करना चाहिए ऑलवेज, लाइक तब वो आउटकम नहीं होता है। बट आज मैं शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल जो मैंने शूट किया वो मैं डालना चाहती हूँ एंड वो काफ़ी छोटा वीडियो है तो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड मैंने कल थोड़ा नया कुछ ट्राई किया, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दूसरों से देख के सीखा है बट इट्स नॉट इनफ आई नो, लेकिन नया नया चीज़ें करते रहेंगे, आप लोग बस सपोर्ट करते रहना। एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल मतलब दुर्गा पूजा से पहले मोनेटाइज हो जाए। आई एम जस्ट दिस मच क्लोज, दिस मच, तो वीडियो डालना ज़रूरी है गाइज, अदरवाइज वो ग्राफ ऊपर नहीं जाता है। एनीवेज आज मैं एज यूजुअल सुबह उठी, नाश्ता बनाई एंड स्कूल गई। फिर उसके बाद आज मतलब स्कूल लास्ट डे था, कल से बंद है मतलब हॉलीडेज फॉर दुर्गा पूजा, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज मुझे सैलरी मिल जाएगा बट
एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट गाइस, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैं सोच रही थी कि आज शाम को मैं बाजार जाऊंगी। एनीवेज गुड्डू मुझे बोल रहा था कि तुम्हारा सैलरी रहने दो, तुम मेरे से लेकर चले जाओ, बाजार कर लो वगैरह वगैरह, बट मुझे अपने पैसे खर्च करने में ज़्यादा मज़ा आता है गाइस, ट्रस्ट मी। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि वो मुझे देगा नहीं या फिर वो मुझे पूछते रहेगा कहाँ पे क्या, मतलब हिसाब तो दूर का बात है, उसका इतना साहस है नहीं कि वो पूछे मुझे। लेकिन मतलब मेरा कैलकुलेशंस ऐसे थे कि उसका, जैसे कि मुझे मतलब कैश मिलता है तो मैं कैश ही खर्चा करूँ एंड उसका पैसा जो है वो मैं अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लूँ। सो दैट वॉज़ द थिंग। एनीवेज वो हो नहीं पाया तो मुझे मतलब मैं बोर हो चुकी हूँ मतलब डेली वही रूटीन से। तो मैं सोच रही हूँ कैन शॉपिंग कैन मेक मी लिटिल बिट हैप्पी टुडे। सो मैं बहन के साथ आज बाजार जाने वाली थी, मैं 5 बजे का टाइमिंग दिया था उसको, तो मैं लेटी एंड थोड़ा सा नैप ले ही लिया। आज मैं सो गई एंड अलार्म बजते ही मैं उठी एंड उसके बाद बहन को कॉल लगाया तो बहन बोला कि आज नहीं जाना है। तो मेरा मूड फिर से ऑफ हो गया एंड मैं रोई नहीं बट रो रो के फ़ोन किया गुड्डू को कि मुझे बाजार लेके चलना प्लीज़, मुझे अकेले जाने का मन नहीं है। तो बोला ठीक है, काम से आने के बाद हम लोग चलेंगे, बिकॉज आजकल वैसे कि दुर्गा पूजा का बाजार लेट से बंद होता है। सो वही इंतज़ार में हूँ कि अब गुड्डू कब आएगा। तब तक मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी, थोड़ा बहुत कल का जो शॉट्स था वो एडिटेड हो गया है एंड ये वाला क्लिप साथ में ऐड कर देंगे। सो कीप एंजॉइंग गाइस, वी विल गो टू द मार्केट एंड मुझे बहुत सारा सामान लेना है। मैं एक ऑनलाइन में एक साड़ी ली थी जो आप लोग को मैंने दिखाया नहीं, एक बार से पहन के दिखाऊंगी। पता है क्या हुआ, वो साड़ी मैं लिया वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, जब वो आया तब मुझे लगा कि मतलब क्या लाया, मतलब क्या आया ये। तो मैं मतलब रिटर्न कर सकती थी ना, लेकिन मैं कितना बुद्धू हूँ, मतलब बुद्धू नहीं मैं बस किया नहीं, मैं सोचा ये आ गया रहने दो, मतलब वही आलसी हो गई रहने दो। फिर वो मिंत्रा वाला बैग भी फेंक दिया मैं, उसके बाद अभी मैं जब फॉल्स वगैरह लगाने दिया उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पहनने से मुझे पंडाल जैसा फील नहीं आएगा। तो मतलब पंडाल वाला जो कपड़ा होता है त्रिपाल जैसा वैसा, तो बिकॉज इट्स ए रफल साड़ी एंड इट्स लाइक पिंक कलर, और मेरा शादी का मुझे याद आ गया कि मेरे शादी में ये वाला कलर का ऊपर में ऐसा ऐसा गोल गोल डिज़ाइन था एंड वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा फील होने लग गया कि ऐसा तो नहीं लग जाएगा। एनीवेज मैं वो रख दिया, वो पहनूंगी, लेट्स सी कैसा लगता है मतलब। एंड मुझे लेना है एक जीन्स, तो सबसे पहले मैं जीन्स लूँगी क्योंकि मेरा साइज़ का मिलेगा भी तो मतलब मिल ही जाता है, लेकिन मुझे ओ गॉड करंट चला गया, मुझे मतलब थोड़ा सा तो फिटिंग कराना पड़ेगा ना साइड से, तो आज लूँगी तो टाइम मिल जाएगा एटलीस्ट फिटिंग करने के लिए। सो वही बात है, अभी गुड्डू का वेट करती हूँ, लेट्स सी वो कब आता है। तब तक मैं थोड़ा सा पेपर चेक कर लेती हूँ, द बोरिंग वर्क। सो गाइज मैं चेंज कर लिया, बिकॉज गुड्डू ने मुझे बोला मैसेज करके कि तुम रेडी होके रहना, और मैं जब ऐसे अभी फ़ोन किया तो उसने वो कहा कि 5 मिनट और लगेगा। तो मैं बोला कि तुम क्यों मुझे तो फिर रेडी होने के लिए बोला, तो बोला तुम रेडी होके रहोगे तो हम लोग एडवांस रहेंगे ना, और मैं आऊँगा और कपड़ा फंसाऊँगा और चला जाऊँगा, पहनूंगा नहीं फंसाऊँगा। ही इज़ हियर, कपड़ा फंसा लिया है एज आई सेड गाइज एंड वी आर लिविंग। फसाई लिया ये उसे, चेन लगा ये फसाई लिया। देखिए ऐसे कह कहते हैं फसाना। ये देखिए गाइस मेरा स्टूडेंट्स पहले का छुप रहा है। गाइस हम लोग कपड़ा खरीदने आए थे, मेरा कपड़ा खरीदने आए थे, बट गुड्डू भी अपना कपड़ा खरीद लिया। मैं जीन्स लेने आई थी बट मैं ऑप्शन चेंज कर दिया, जीन्स मुझे पसंद नहीं है तो स्कर्ट ले लिया मैंने, स्टिच कर दिया जीन्स को। ये देखिए गाइस मिल गया सारा, सबको मिल गया बाजार में, ये प्रशांत भी है। बाय बाय बोल दो बे। जस्ते गाइस रात के 9:30 बज रहे हैं बट ये है टाउन का नजारा, वैसे तो 8 बजे से ही पूरा खाली हो जाता है, और दिस इज द व्यू।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा खाली हो गया ना उड़ू, बट स्टॉल्स लग गए एकदम पूजा के लिए भी पंडाल जैसा ना। स्टॉल्स लग में इतना ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत किया वही डाल दूँगी। एंड मैं पोनी जो बांध के गई थी उसकी वजह से मेरा सर पूरा दुख रहा है। आई एंड दिस वीडियो हियर बिकॉज़ आई एम वेरी टायर्ड। अभी हम डिनर करके सो जाएंगे एंड कपड़े जो लिया है वो जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। सो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन।